दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बीच मैदान पर ही अंपायर की गलती की वजह से रोहित शर्मा को पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन अंपायर के इस चूक को देखने के बाद भारतीय पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का गुस्सा जमकर फूटा। सुनील गावस्कर ने अपने बयान में ऐसी बात कह दी जिसको सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको रोहित शर्मा के साथ हुए उस हादसे के बाद गावस्कर ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान पर 25 अगस्त से शुरू हुआ था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला बिल्कुल टीम के पक्ष में नहीं रहा। भारतीय टीम तो सिर्फ 78 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन जवाब में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धुनाई करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने पहली पारी में 432 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम के ऊपर 354 रनों की बढ़त बना ली। पहली पारी को देखने के तो शायद सभी को यह लगने लगा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से हार जाएगी, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा तो इस मुकाबले में आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शुरुआत में केएल राहुल भले ही 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर इस विकेट का कोई दबाव ही नहीं पड़ा और रोहित शर्मा ने शानदार लगातार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों की पिटाई की और पलक झपकते ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद रोहित शर्मा 59 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी पर थे ओली रॉबिन्स, जिसकी गेंद पर रोहित शर्मा लेफ्ट साइड की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का गेंद से संपर्क कराने से चूक गए। गेंद सीधा जाकर रोहित शर्मा के पैड पर लगी, जिसके बाद गेंदबाज और इंग्लैंड की टीम के तरफ से अपील की गई। अंपायर ने समय में देरी न लगाते हुए सीधा आउट करार दे दिया। दूसरे छोर पर खड़े चेतेश्वर पुजारा ने भी रोहित शर्मा से DRS लेने पर विचार विमर्श किया और पुजारा की सहमति देने पर उन्होंने DRS ले लिया, लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद स्टंप की तरफ जा रही थी और गेंद बिल्कुल हल्की सी स्टंप में लग रही थी, जिसके बाद उन्हें आउट करार दे दिया गया। लेकिन सुनील गावस्कर अंपायर के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए, क्योंकि गावस्कर ने कहा कि बीच मैदान पर अंपायर को शायद इतना तो आसानी से दिख जाता है कि गेंद लेफ्ट साइड की तरफ जा रही थी और लगभग 90% गेंद स्टंप को छोड़ रही थी। गावस्कर ने अंपायर की इस लापरवाही के बारे में कहा कि इस तरह के फैसले हमेशा बल्लेबाज के पक्ष में दिए जाते हैं, जबकि अंपायर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय टीम के लिहाज से रोहित शर्मा का विकेट बहुत बड़ा था, लेकिन अंपायर से यहां भूल हुई और उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करार दिया। मैं मानता हूं कि अगर बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया जाता और इंग्लैंड की टीम DRS लेने का फैसला करती तो यकीनन फैसला रोहित शर्मा के पक्ष में रहता और मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में नुकसान उठाना पड़ता तो इसका सारा कसूर एम्पायर को दिया जाएगा, क्योंकि एम्पायर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी जिसको शायद नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों जिस तरह से एम्पायर ने रोहित शर्मा के लिए गलत फैसला सुनाया, आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारत के साथ बेईमानी की गई है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।